हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंग की दाल की इडली बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल है, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। और चलिए अब इसे पीस लेते हैं। इसमें मैंने लहसुन और एक अदरक और थोड़ी सी मैंने जो है अदरक और गार्लिक मैंने इसमें डाला है। इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो मूंग की दाल की इडली तो बहुत ही खाने में हेल्दी है। तो इसमें मैं अब पेस्ट, ये मेरा बैटर बन के तैयार है। इसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और इसके ऊपर मैं एक बड़ा चम्मच जो है ऑयल का डाल रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, अच्छी तरह ढक करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरा बैटर फूल गया है काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। अब ये मैं 3 कटोरी ले रही हूँ और तीनों को मैं ऑयलिंग करूँगी। सेम साइज़ की मैंने कटोरी ली है, आप चाहे तो इडली के सांचे में भी इसको बना सकते हैं, बट मैं इसको आज कटोरी में बना के दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से कटोरी लेकर तीनों कटोरियों को अच्छी तरह से ऑयल लगाकर चारों तरफ से लगाएंगे, नहीं तो मूंग की दाल नीचे चिपक जाती है। इसलिए मैं ये कटोरी में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर रही हूँ। अब ये बैटर हमें, मैंने इसमें जो है 1 बड़ा चम्मच इनो का मिला दिया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो बैटर हमारा फूल जाएगा। ये इस तरह से देखिए, ये बैटर अब फूलने लगा है। चावल और उड़द की दाल की इडली तो आपने बहुत खाई होगी, वो ज़्यादा खाई नहीं जाती है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने बाउल जो एक एक कटोरी में ये मूंग की दाल का जो बैटर बनाया है वो मैं डाल रही हूँ। पूरा ऊपर तक फुल नहीं भरना है, उसको हाफ हमें स्पेस देना है, क्योंकि जब वो फूलेगी तो ऊपर तक अपने आप आ जाएगी। तो एक तरफ मैंने पानी गर्म होने पहले से ही रख दिया है। तो चलिए ये तीनों कटोरी हम उस पानी में डाल देते हैं और जो जो इसकी फ्लेम है उसको हमको लो पर ही रखना है। लो पे रख के हम इसको ढककर बनाएंगे। 5 से 10 मिनट में ये बन जाएगी। ढककर अब हम इसको ढक देते हैं 10 मिनट। तो ढककर आप इसको बनाइएगा। चलिए खोल के हम चेक करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मेरी इडली बनी है मूंग की दाल की। ये देखिए, मैं आपको स्पंज कर दिखाती हूँ तीनों निकालने के बाद कि किस तरह से इसमें स्पंज कितना अच्छा आया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली इडली है और ये आप शाम के स्नैक्स में इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया स्पंज आया है। तो अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए के बाद, जब ये ठंडा हो जाती है इसके बाद हम इसको बीच में से काट देंगे। मतलब एक इडली के हम 2 पार्ट कर लेंगे, इस तरह से एक इडली के हम 2 पार्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही यम्मी है। क्योंकि अदरक और जो है जिंजर का इसमें जो और गार्लिक का जो टेस्ट आता है बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। और आप इसको चटनी के साथ ही सिंपल आप इसको खा सकते हैं शाम के स्नैक्स में। बच्चों को आज छुट्टियों में आप बनाकर सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। अब एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता मैंने डाला है। तो इस तरह से जब, और सरसों या राई आपके पास जो हो आप वो डालकर अच्छे से उसको चटकने दीजिए। चलिए इसमें हम इस तरह से इडली जो हमने काट दी है वो इडली हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये 4 मैंने इसमें एक बार में करा है। तो एक तरफ से अच्छे से थोड़ा सा इसमें तेल का फ्लेवर आने के बाद हम इसको पलट देंगे इस तरह से। और जितनी भी आप इडली बनाएंगे उसको इस तरह से ज़रूर ऊपर से आप फ्राई पैन में ऑयल डालकर उसको छौंकिएगा और इसको गरम गरम सर्व कीजिए। ये देखिए हमारी इडली बनकर तैयार है। हम उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जो है नींबू निचोड़ रहे हैं ताकि उसका स्वाद और भी अच्छा आए। देखने में ये ढोकला जैसी लग रही है क्योंकि हमने इसमें हल्दी डाली है, बस खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, बना कर ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी चटनी बनाना सिखा रही हूँ नारियल की। तो उसके लिए मैंने पीनट डाला है और उसमें मैंने 3 गार्लिक
के जो है डाला है, साथ में थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, तो ये और ये नारियल। बहुत ही सिंपल चटनी है, बहुत ही जल्दी आप इसको बना सकते हैं। और एक चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं। तो ये एक बार और मैं खोलकर इसको पीस रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है, जो आप इडली के साथ खा सकते हैं। इस इडली के साथ आपको सांभर की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए झटपट मेरी इडली और सांभर दोनों बनकर तैयार है, मूंग की दाल की इडली। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।